मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 9। फिर यीशु एक नाव पर चढ़ा और झील के पार अपने नगर आ गया। लोग लकवे के एक रोगी को खाट पर लिटाकर उसके पास लाए। यीशु ने जब उनके विश्वास को देखा तो उसने लकवे के रोगी से कहा, हिम्मत रख है बालक, तेरे पाप को क्षमा किया गया। तभी कुछ यहूदी धर्मशास्त्री आपस में कहने लगे, यह व्यक्ति अपने शब्दों से परमेश्वर का अपमान करता है। यीशु, क्योंकि जानता था कि वे क्या सोच रहे हैं, उनसे बोला, तुम अपने मन में बुरे विचार क्यों आने देते हो? अधिक सहज क्या है, यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना, खड़ा हो और चल पड़, ताकि तुम ये जान सको कि पृथ्वी पर पापों का क्षमा करने की शक्ति मनुष्य के पुत्र में है। यीशु ने लकवे के मारे से कहा, खड़ा हो, अपना बिस्तर उठा और घर चला जा। वह लकवे का रोगी खड़ा होकर अपने घर चला गया। जब भीड़ में लोगों ने यह देखा तो वे श्रद्धामय विस्मय से भर उठे और परमेश्वर की स्तुति करने लगे, जिसने मनुष्य को ऐसी शक्ति दी। यीशु जब वहाँ से जा रहा था तो उसने चुंगी की चौकी पर बैठे एक व्यक्ति को देखा। उसका नाम मत्ती था। यीशु ने उससे कहा, मेरे पीछे चला आ। इस पर मत्ती खड़ा हुआ और उसके पीछे हो लिया। ऐसा हुआ कि जब यीशु मत्ती के घर बहुत से चुंगी वसूलने वालों और पापियों के साथ अपने अनुयायियों समेत भोजन कर रहा था, तो उसे फरीसियों ने देखा। वे यीशु के अनुयायियों से पूछने लगे, तुम्हारा गुरु चुंगी वसूलने वालों और दुष्टों के साथ खाना क्यों खा रहा है? यह सुनकर यीशु उनसे बोला, स्वस्थ लोगों को नहीं बल्कि रोगियों को एक चिकित्सक की आवश्यकता होती है। इसलिए तुम लोग जाओ और समझो कि शास्त्र के इस वचन का अर्थ क्या है, मैं बलिदान नहीं चाहता बल्कि दया चाहता हूँ, मैं धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बुलाने आया हूँ। फिर बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के शिष्य यीशु के पास गए और उससे पूछा, हम और फरीसी बार बार उपवास क्यों करते हैं और तेरे अनुयायी क्यों नहीं करते? फिर यीशु ने उन्हें बताया, क्या दूल्हे के साथी जब तक दूल्हा उनके साथ है शौक मना सकते हैं? किंतु वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे छीन लिया जाएगा, फिर उस समय वे दुखी होंगे और उपवास करेंगे। बिना सिकुड़े नए कपड़े का पैबंद पुरानी पोशाक पर कोई नहीं लगाता, क्योंकि यह पैबंद पोशाक को और अधिक फाड़ देगा और कपड़े की खींच और बढ़ जाएगी। नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरा जाता, नहीं तो मशकें फट जाती हैं और दाखरस बहकर बिखर जाता है और मशकें भी नष्ट हो जाती है। इसलिए लोग नया दाखरस नई मशकों में भरते हैं, जिससे दाखरस और मशक दोनों ही सुरक्षित रहते हैं। यीशु उन लोगों को जब ये बातें बता ही रहा था, तभी यहूदी आराधनालय का एक मुखिया उसके पास आया और उसके सामने झुककर विनती करते हुए बोला, अभी अभी मेरी बेटी मर गई है, तू चलकर यदि उस पर अपना हाथ रख दे तो वह फिर से जी उठेगी। इस पर यीशु खड़ा होकर अपने शिष्यों समेत उसके साथ चल दिया। वही एक ऐसी स्त्री थी जिसे 12 साल से बहुत अधिक रक्त बह रहा था। वह पीछे से यीशु के निकट आई और उसके वस्त्र की कन्नी छू ली। वह मन में सोच रही थी, यदि मैं तनिक भी इसका वस्त्र छू पाऊं तो ठीक हो जाऊंगी। मुड़कर उसे देखते हुए यीशु ने कहा, बेटी हिम्मत रख,
तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया है। और वह स्त्री तुरंत उसी क्षण ठीक हो गई। उधर यीशु जब यहूदी धर्म सभा के मुखिया के घर पहुंचा, तो उसने देखा कि शोक धुन बजाते हुए बांसुरी वादक और वहां इकट्ठे हुए लोग लड़की को मृत्यु पर शोक कर रहे हैं। तब यीशु ने लोगों से कहा, यहां से बाहर जाओ, लड़की मरी नहीं है, वह तो सो रही है। इस पर लोग उसकी हंसी उड़ाने लगे। फिर जब भीड़ के लोगों को बाहर भेज दिया गया, तो यीशु ने लड़की के कमरे में जाकर उसका हाथ पकड़ा और वह उठ बैठी। इसका समाचार उस सारे क्षेत्र में फैल गया। यीशु जब वहां से जाने लगा, तो दो अंधे व्यक्ति उसके पीछे हो लिए। वे पुकार रहे थे, हे दाऊद के पुत्र, हम पर दया कर। यीशु जब घर के भीतर पहुंचा, तो वे अंधे उसके पास आए। तब यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हें फिर से आंखें दे सकता हूँ? उन्होंने उत्तर दिया, हाँ प्रभु। इस पर यीशु ने उनकी आंखों को छूते हुए कहा, तुम्हारे लिए वैसा ही हो जैसा तुम्हारा विश्वास है। और अंधों को दृष्टि मिल गई। फिर यीशु ने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा, इसके विषय में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। किंतु उन्होंने वहां से जाकर इस समाचार को उस क्षेत्र में चारों ओर फैला दिया। जब वे दोनों वहां से जा रहे थे, तो कुछ लोग यीशु के पास एक गूंगे को लेकर आए। गूंगे में दुष्ट आत्मा समाई हुई थी और इसीलिए वह कुछ बोल नहीं पाता था। जब दुष्ट आत्मा को निकाल दिया गया, तो वह गूंगा, जो पहले कुछ भी नहीं बोल सकता था, बोलने लगा। तब भीड़ के लोगों ने अचरज से भर कर कहा, इज़राइल में ऐसी बात पहले कभी नहीं देखी गई। किंतु फरीसी कह रहे थे, वह दुष्टात्माओं को शैतान की सहायता से बाहर निकालता है। यीशु यहूदी आराधनालयों में उपदेश देता, परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार का प्रचार करता, लोगों के रोगों और हर प्रकार के संतापों को दूर करता, उस सारे क्षेत्र में गांव-गांव और नगर-नगर घूमता रहा था। यीशु जब किसी भीड़ को देखता, तो उसके प्रति करुणा से भर जाता था, क्योंकि वे लोग वैसे ही सताए हुए और असहाय थे, जैसे वे भेड़े होती है जिनका कोई चरवाहा नहीं होता। तब यीशु ने अपने अनुयायियों से कहा, तैयार खेत तो बहुत है, किंतु मजदूर कम है। इसलिए फसल के प्रभु से प्रार्थना करो कि वह अपनी फसल को काटने के लिए मजदूर भेजे।